Hello students, I am Dr. Vinod Kamble. Now we are going to see the second institute which supports to the business. और ये institute का नाम है National Bank for Agriculture and Rural Development, जिसको popularly NABARD बोला जाता है. तो ये particular bank जो है ये किस तरीके से business को support करती है वो हम लोग देखेंगे. सबसे पहले इंडिया जो है वो एग्रीकल्चरल कंट्री है, मतलब हमारे यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है उनका मेन ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर है. और ये एग्रीकल्चर के ऊपर और उसके जो अलाइड एक्टिविटीज है, अलाइड एक्टिविटीज मतलब क्या, जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड एक्टिविटीज है, जैसे कि पोल्ट्री फार्म है जिसको हम लोग कुक्कुट पालन बोलते हैं, उसके बाद में डेयरी प्रोडक्ट्स वगैरह है, तो ये सारे एग्रीकल्चर के अलाइड एक्टिविटीज है या एग्रीकल्चर के रिलेटेड एक्टिविटीज है. तो हमारे यहाँ पे रूरल एरिया की बहुत सारी पॉपुलेशन जो है एग्रीकल्चर और उसके अलाइड एक्टिविटी के ऊपर डिपेंड रहते हैं अपना लाइवलीवुड अर्न करने के लिए. लाइवलीवुड अर्न करना मतलब अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए वो लोग एग्रीकल्चर के ऊपर और उसके अलाइड एक्टिविटीज के ऊपर डिपेंड रहते हैं. हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है उनको पूरी तरीके से अवेयरनेस है कि हमारे यहाँ पे जो रूरल इकोनॉमी है उसको स्ट्रांग बनाने के लिए, उसको बेहतर बनाने के लिए इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट को बूस्ट करना बहुत जरूरी है. नाउ ये इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट का मतलब क्या होता है, बैंक लोन या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का जो लोन होता है उसको हम लोग इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट बोलते हैं. क्रेडिट मतलब लोन होता है. और हमारे यहाँ पे रूरल एरियाज के अंदर ये लोन अवेलेबल नहीं होने की वजह से वहां के लोग जो है वो प्रॉपर एग्रीकल्चर नहीं कर पाते हैं या दूसरे जो भी एक्टिविटीज वो करने में इंटरेस्टेड रहते वो नहीं कर पाते हैं. तो हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने काफी सारे स्टेप्स लिए हैं, काफी सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं ताकि रूरल एरिया में जो भी फार्मर्स है या जो भी दूसरे आर्टिसंस वगैरह है वो लोग को क्रेडिट अवेलेबल करके दे, मतलब लोन अवेलेबल करके दे, ताकि वो लोग अच्छे से एग्रीकल्चर कर पाए या फिर वो लोग अलग अलग इंडस्ट्रीज वगैरह सेटअप कर पाए और जिसकी वजह से रूरल एरियाज का भी डेवलपमेंट हो, वहां पे भी लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हो और हमारी रूरल इकोनॉमी जो है वो डेवलप हो. नाउ ये चीज को ध्यान में रखते हुए रूरल एरिया में इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट अवेलेबल करके देने के लिए या लोन वगैरह अवेलेबल करके देने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक कमिटी कॉन्स्टिट्यूट की थी, जिस कमिटी का नाम था कमिटी टू रिव्यू द अरेंजमेंट फॉर इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट. और ये जो कमिटी थे इसके चेयरमैन थे श्री बी शिवरामन, जिन्होंने क्या किया, हमारे यहाँ का जो एग्रीकल्चर क्रेडिट है उसको रिव्यू किया. ना रिव्यू किया मतलब कि हमारे यहाँ पे किस तरीके से एग्रीकल्चर सेक्टर को लोन दिया जाता है, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम है, ये सब चीजों को उन्होंने एनालाइज किया. और उनको फिर ये पता चला कि हमारे यहाँ पे एग्रीकल्चर क्रेडिट जो उतना स्ट्रांग नहीं है, मतलब फार्मर्स को प्रॉपर लोन वगैरह अवेलेबल नहीं होता है. ऐसा उन्होंने अपना रिकमेंडेशन का रिपोर्ट बना के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को सबमिट किया. और ये रिकमेंडेशन के बेसिस पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जिसको नाबार्ड बोला जाता है, ये सेटअप किया 12 जुलाई 1982 को. और ये जो बैंक सेटअप किया गया है वो स्पेशल एक्ट के अंडर सेटअप किया गया है और ये स्पेशल एक्ट जो पार्लियामेंट में पास किया गया था और ये एक्ट का नाम है द नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट एक्ट 1981. ओके, तो इस तरीके से नाबार्ड जो है वो सेटअप हुआ है ताकि फार्मर्स को और जो भी रूरल एरिया के आर्टिसंस वगैरह होते हैं उनको इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट अवेलेबल करके देने के लिए, लोन वगैरह अवेलेबल करके देने के लिए ये पर्टिकुलर बैंक सेटअप किया गया था. नाउ ये जो नाबार्ड है ये एग्रीकल्चर फाइनेंस में एक अपेक्स इंस्टीट्यूट है. अपेक्स का मतलब क्या होता है, उच्च स्तर का इंस्टीट्यूट है, हाईएस्ट लेवल का इंस्टीट्यूट है, बिकॉज नाबार्ड के अंडर बहुत सारे कोऑपरेटिव बैंक्स और रीजनल रूरल बैंक जो है वो काम करते हैं. तो ये कोऑपरेटिव बैंक और रीजनल रूरल बैंक जो है इसको नाबार्ड जो है कंट्रोल करता है. नाबार्ड के हिसाब से ये बैंक जो है वो काम करते हैं, इसके लिए नाबार्ड को अपेक्स इंस्टीट्यूट बोला जाता है. नाउ नाबार्ड को सेटअप करने के पीछे का ऑब्जेक्टिव क्या था, तो एग्रीकल्चर सेक्टर, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, कॉटेज और विलेज इंडस्ट्री. कॉटेज इंडस्ट्रीज का मतलब क्या होता है, जो घर से बिजनेस किया जाता है या घर में जो चीजें बना के बेची जाती है उसको कॉटेज इंडस्ट्रीज बोलते हैं. देन हैंडीक्राफ्ट एंड अदर रूरल क्राफ्ट, मतलब हाथ से बना के जो चीजें बेची जाती है, इसको प्रमोट करने के लिए और डेवलप करने के लिए लोन की जरूरत होती है. तो नाबार्ड का मेन पर्पज ये है कि ये सारे जो सेक्टर्स है इन लोगों को लोन प्रोवाइड करके उनका प्रमोशन और डेवलपमेंट करना. तो ये पर्पज से नाबार्ड जो है वो सेटअप किया गया था. नाउ वी विल सी द फीचर्स ऑफ नाबार्ड. सबसे पहला फीचर है अपेक्स बैंक. अपेक्स का मतलब क्या होता है, उच्च स्तर का ये बैंक होता है, सबसे हाईएस्ट बैंक होता है. ना इसको अपेक्स बैंक क्यों बोला जाता है, तो एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट के लिए कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस काम करते हैं. अब ये कौन से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, तो जैसे कि कोऑपरेटिव बैंक्स है,
और रीजनल रूरल बैंक्स है। तो ये सारे जो बैंक्स है वो क्या करते हैं, एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं। मतलब फार्मर्स को जो भी लोन चाहिए या रूरल इंडस्ट्रीज सेटअप करने के लिए जो लोन वगैरह चाहिए, तो ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस प्रोवाइड करते हैं। तो ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की जो भी क्रेडिट नीड है, मतलब इनको अगर कोई भी लोन की जरूरत पड़ती है तो वो लोन की जो नीड होती है वो नाबार्ड फुलफिल करता है। तो इस हिसाब से ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट के लिए काम करती है, और ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का क्रेडिट नीड जो होता है वो नाबार्ड फुलफिल करता है। तो इस हिसाब से नाबार्ड जो यहाँ पे अपेक्स बैंक कहलाया जाता है, उसी के साथ साथ ये जो रूरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है इनके लिए पॉलिसीज और गाइडलाइन बनाने का काम भी जो होता है वो नाबार्ड करता है। पॉलिसीज मतलब क्या होता है, रूल्स एंड रेगुलेशन, जैसे कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करना है, किस तरीके से लोन देना है, वो प्रॉपर लोन्स वगैरह दे रहे हैं कि नहीं, वो सब चीजों के गाइडलाइन जो होते हैं या पॉलिसीज जो होते हैं वो नाबार्ड प्रिपेयर करता है। नाबार्ड जो होता है वो रूरल क्रेडिट के फ्लो को मॉनिटर करता है, मतलब बराबर सब फार्मर्स को लोन वगैरह दिया जा रहा है कि नहीं, रूरल इंडस्ट्रीज के लिए लोन दिया जा रहा है कि नहीं, वो सब चीजों को मॉनिटर करने का, उसको ध्यान रखने का काम जो होता है वो नाबार्ड का होता है। और जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने और आरबीआई ने पॉलिसीज बनाई है एग्रीकल्चर क्रेडिट को लेके, वो पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करने का काम जो होता है नाबार्ड का होता है। तो यहाँ पे एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट के लिए और उनको क्रेडिट अवेलेबल करके देने के लिए नाबार्ड काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और इसके लिए नाबार्ड को यहाँ पे अपेक्स बैंक बोला जाता है। नाउ सेकेंड फीचर इज रीफाइनेंसिंग फैसिलिटी। रीफाइनेंसिंग का मतलब क्या होता है, तो जैसे स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स होती है, लैंड डेवलपमेंट बैंक्स होती है, देन रीजनल रूरल बैंक्स होती है, एंड दूसरी जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होती है जो रूरल फाइनेंस में काम करती है, तो ये सब लोग क्या करते हैं, फार्मर्स को या फिर रूरल इंडस्ट्रीज के लिए जो भी लोन लगता है वो लोन प्रोवाइड करते हैं, और फिर बाद में इन्होंने जो वो लोन प्रोवाइड किया है फार्मर्स को और रूरल इंडस्ट्रीज को, वो लोग क्या करते हैं, नाबार्ड के पास से लेते हैं। तो यहाँ पे नाबार्ड क्या कर रहा है, इनको रीफाइनेंस कर रहा है। जो फाइनेंस इन्होंने फार्मर्स को और रूरल इंडस्ट्रीज को प्रोवाइड किया है वो नाबार्ड के द्वारा इनको वापस मिलता है, उसी को यहाँ पे रीफाइनेंसिंग बोला जाता है। उसी के साथ साथ अगर सपोज ये सारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं इनको शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म या लॉन्ग टर्म क्रेडिट की या लोन की जरूरत होती है तो नाबार्ड के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। और अगर सपोज कोई भी नेचुरल कैलामिटीज होती है, जैसे कि ड्रॉट आ गया, ड्रॉट मतलब क्या, सूखा पड़ गया, या क्रॉप फेलियर हो गया, मतलब जो भी फसल है वो पूरी तरीके से खराब हो गई, या फिर फ्लड वगैरह आ गया, और ये सबका एग्रीकल्चर के ऊपर बहुत ज्यादा बुरा परिणाम होता है, और इसके वजह से फार्मर्स लोगों के लिए बहुत सारी डिफिकल्टी आती है, तो वो केस में क्या होता है, कमर्शियल बैंक और कोऑपरेटिव बैंक जो होती है वो फार्मर्स को लोन प्रोवाइड करती है, और फिर बाद में ये कमर्शियल बैंक और कोऑपरेटिव बैंक जो होती है वो लोन नाबार्ड के पास से वापस लेती है। तो इस तरीके से नाबार्ड जो है वो हमारे फार्मर्स और रूरल इंडस्ट्रीज को ये सारे इंस्टीट्यूशंस के थ्रू फाइनेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, इसके लिए इसको रीफाइनेंसिंग फैसिलिटीज बोला जाता है। नाउ थर्ड फीचर इज असिस्टेंट टू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। नाउ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं, मैंने आपको बताया जो कोऑपरेटिव बैंक है और रीजनल रूरल बैंक्स है जो फार्मर्स को और रूरल इंडस्ट्रीज को लोन प्रोवाइड करते हैं, तो अगर सपोज इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को कोई भी हेल्प चाहिए तो वो हेल्प जो है वो नाबार्ड के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, जिसके लिए नाबार्ड जो है एक्शन प्लान बनाता है। एक्शन प्लान मतलब कि किस तरीके से कोऑपरेटिव बैंक्स को और रीजनल रूरल बैंक्स को डेवलप किया जा सकता है, उसका पूरा एक प्लान बनाया जाता है नाबार्ड के द्वारा, और नाबार्ड जो है वो मॉनिटर भी करता है कि ये जो एक्शन प्लान है वो प्रॉपरली इंप्लीमेंट किया जा रहा है कि नहीं ये बैंक्स के अंदर, तो वो भी यहाँ पे नाबार्ड के द्वारा देखा जाता है। अभी यहाँ पे नाबार्ड जो है वो कोऑपरेटिव बैंक्स को फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है। किसके लिए ये फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाता है, अगर ये बैंक्स को कोई भी सॉफ्टवेयर वगैरह परचेस करना है, जिसको MIS बोला जाता है, मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम, ओके, तो ये सॉफ्टवेयर परचेस करने के लिए जो भी फाइनेंस लगता है वो नाबार्ड के द्वारा इनको प्रोवाइड किया जाता है। बिकॉज सॉफ्टवेयर की वजह से क्या होता है, काम जो होता है वो ईजी हो जाता है, सारा रिकॉर्ड जो होता है वो प्रॉपरली मेंटेन किया जाता है, तो उसके लिए हर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर MIS होता है। तो ये कोऑपरेटिव बैंक्स को अगर MIS परचेस करना है तो उसके लिए फाइनेंशियल असिस्टेंट जो होता है नाबार्ड के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। दूसरा, ये जो बैंक्स है इनका कंप्यूटराइज्ड ऑपरेशंस के लिए भी फाइनेंस जो होता है नाबार्ड के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, मतलब सारा जो इनका फंक्शनिंग है वो कंप्यूटर के द्वारा होगा, क्योंकि आपको पता है कि पहले बैंक के सारे कामकाज जो होते थे मैनुअली होते थे, और जब मैनुअली हम लोग काम करते हैं तो उसमें क्या होता है कि बहुत सारे मिस्टेक्स होने के चांसेस होते हैं, फिर बाद में रिकॉर्ड जो होता है प्रॉपरली मेंटेन नहीं होता है, तो सारे काम जो है कंप्यूटराइज्ड होने के लिए जो भी फाइनेंस की जरूरत होती है वो नाबार्ड के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है।
और उसी के साथ साथ ये जो बैंक से इनके ह्यूमन रिसोर्सेज को डेवलप करने के लिए, मतलब इनके एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग वगैरह देने के लिए जो फाइनेंस की जरूरत पड़ती है, वो फाइनेंशियल असिस्टेंस भी नाबार्ड के द्वारा इनको प्रोवाइड किया जाता है। बिकॉज ये जो कोऑपरेटिव बैंक है, ये सॉफ्टवेयर परचेस कर रहे हैं, अपने सारे ऑपरेशंस को कंप्यूटराइज कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये सब चीजों के बारे में एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग देना भी बहुत जरूरी होता है, और ट्रेनिंग में भी काफी ज्यादा फाइनेंस की जरूरत पड़ती है, तो फाइनेंस जो होता है नाबार्ड के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। तो इस तरीके से नाबार्ड क्या कर रहा है, ये बैंक्स को फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि ये जो बैंक्स है वो प्रॉपरली फंक्शन हो, इनका बिजनेस जो है वो ग्रो हो जाए, और जिसके वजह से ये लोग फार्मर्स को और रूरल इंडस्ट्रीज को फाइनेंस प्रोवाइड कर पाए। नाउ फोर्थ फीचर इज प्रोवाइड क्रेडिट फॉर द रूरल डेवलपमेंट। नाउ स्टेट गवर्नमेंट को रूरल एरियाज में जो भी डेवलपमेंट या प्रमोशनल एक्टिविटीज वगैरह करनी है, उसके लिए भी जो फंड्स की जरूरत होती है नाबार्ड के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। जैसे कि सपोज रोड कंस्ट्रक्शन करने हैं, इलेक्ट्रिसिटी के टावर्स वगैरह है वो कंस्ट्रक्ट करने हैं, वाटर फैसिलिटी वगैरह, तो ये सब के लिए जो भी फाइनेंस की जरूरत वहाँ के स्टेट गवर्नमेंट को लगता है वो नाबार्ड के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। उसी के साथ साथ जो भी वीकर सेक्शन है, वीकर सेक्शन का मतलब क्या, जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज्यादा पुअर है, तो उनके अपलिफ्टमेंट के लिए या उनको उनकी फाइनेंशियल कंडीशन इंप्रूव करने के लिए जो भी रीफाइनेंसिंग की फैसिलिटी होती है वो भी नाबार्ड के द्वारा प्रोवाइड की जाती है। रीफाइनेंस का मतलब यहाँ पे क्या होगा कि ये जो वीकर सेक्शन के लोग है, ये लोग क्या कर सकते हैं, जो भी कोऑपरेटिव बैंक से या रीजनल रूरल बैंक से इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन ले सकते हैं, और फिर बाद में ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वो लोन जो नाबार्ड के पास से लेते हैं। तो इससे क्या होगा, हमारे जो रूरल एरिया के वीकर सेक्शन के लोग हैं उनका प्रॉपर अपलिफ्टमेंट होगा। फिर बाद में नाबार्ड जो है वो इरिगेशन फैसिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए भी काम करता है। इरिगेशन का मतलब क्या होता है, एग्रीकल्चर के लिए जो वाटर अवेलेबल करके देना, उसको इरिगेशन बोला जाता है। बिकॉज बिना पानी के एग्रीकल्चर नहीं हो सकता है, तो कुआं बनाना या कोई भी बांध वगैरह बनाना, तो उसके लिए जो भी फाइनेंस की जरूरत होती है नाबार्ड के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, जिसके वजह से एग्रीकल्चर के लिए वाटर अवेलेबिलिटी हो। और फिर बाद में नाबार्ड जो है वो नॉन फार्म एक्टिविटीज के लिए भी फाइनेंस प्रोवाइड करता है। नॉन फार्म एक्टिविटीज मतलब जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड नहीं है, जैसे कि कोई इंडस्ट्रीज वगैरह सेटअप करना या कोई भी छोटा मोटा बिजनेस वगैरह करना जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड नहीं है, तो उसके लिए भी फाइनेंस प्रोवाइड करने का काम नाबार्ड करता है। इसके वजह से क्या होता है कि जो भी रूरल एरियाज है वहां का अनएम्प्लॉयमेंट जो है कम होने में हेल्प हो जाएगा। सो इस तरीके से रूरल एरिया का डेवलपमेंट करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट को फाइनेंस प्रोवाइड करना, उसके साथ साथ वीकर सेक्शन को अपलिफ्ट करने के लिए रीफाइनेंसिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करना, एग्रीकल्चर के लिए इरिगेशन फैसिलिटी अवेलेबल करके देना, और नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज को प्रमोट करने के लिए फाइनेंस प्रोवाइड करना, ये सारा जो काम होता है वो नाबार्ड के द्वारा किया जाता है। देन सुपरविजन ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर फाइनेंस। नाउ एग्रीकल्चर फाइनेंस के अंदर कौन से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंगेज्ड होते हैं या इन्वॉल्व होते हैं, आपको ऑलरेडी बताया है, जैसे कि कोऑपरेटिव बैंक्स है, देन रीजनल रूरल बैंक्स है, तो इन लोगों को इंस्पेक्ट करना, इन लोगों का सुपरविजन करना, ये काम जो होता है नाबार्ड के द्वारा किया जाता है। और उसी के साथ साथ स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक, और दूसरा है अपेक्स नॉन कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑन वॉलेंट्री बेसिस, ये दोनों को भी सुपरविजन करने का काम जो होता है वो नाबार्ड के द्वारा किया जाता है। नाउ सुपरविजन करते हैं या फिर इंस्पेक्शन करते हैं, इसका एग्जैक्टली मतलब क्या होता है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि नाबार्ड जो होता है वो कुछ गाइडलाइंस या कुछ पॉलिसीज बनाता है ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए जो एग्रीकल्चर के लिए फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं, तो ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वो गाइडलाइंस को, वो पॉलिसीज को फॉलो करता है कि नहीं, वो ध्यान रखने का काम नाबार्ड करता है। बिकॉज अगर सपोज ये सारे जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है इन्होंने गाइडलाइन को फॉलो नहीं किया, उनको जो फाइनेंस मिल रहा है वो अगर उन्होंने फार्मर्स को और रूरल इंडस्ट्रीज के लिए अवेलेबल करके नहीं दिया, तो उसके वजह से नाबार्ड का जो ऑब्जेक्टिव है एग्रीकल्चर और रूरल इंडस्ट्रीज को बूस्ट करना, वो कभी भी फुलफिल नहीं होगा। तो इसके लिए ये सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के ऊपर सुपरविजन किया जाता है, इंस्पेक्शन किया जाता है कि नाबार्ड ने जो भी गाइडलाइंस दी है या जो भी पॉलिसीज बनाई उसको ये सब फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। नेक्स्ट है प्रोवाइड रिकमेंडेशन टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नाउ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को नाबार्ड क्या क्या रिकमेंडेशंस देता है, तो कोऑपरेटिव बैंक्स को लाइसेंस इश्यू करने का, और कोऑपरेटिव बैंक और रीजनल रूरल बैंक्स को नए ब्रांच ओपन करने के लिए परमिशन देने के लिए रिकमेंडेशन जो है नाबार्ड के द्वारा दिया जाता है। क्योंकि जितने कोऑपरेटिव बैंक्स और रीजनल रूरल बैंक जो है वो रूरल एरिया में सेटअप होंगे, उतना एग्रीकल्चर के लिए फाइनेंस अवेलेबल होगा और रूरल इंडस्ट्रीज के लिए फाइनेंस अवेलेबल होगा, और उतना रूरल एरियाज का डेवलपमेंट होगा। नेक्स्ट वन इज फाइनेंसिंग रूरल इंडस्ट्रीज।
नाउ यहाँ पे क्या है, जो भी हमारे यहाँ पे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है या जो भी विलेज और कॉटेज इंडस्ट्रीज है, कॉटेज इंडस्ट्रीज मतलब मैंने आपको बताया जो घर से बिजनेसेस करते हैं या घर में चीजों को बना के फिर बाद में उसको बेचा जाता है, तो ये जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है, विलेज और कॉटेज इंडस्ट्रीज है, इनको रीफाइनेंसिंग जो होता है वो नाबार्ड के द्वारा किया जाता है। नाउ यहाँ पे क्या होता है कि कमर्शियल और कोऑपरेटिव बैंक जो होती है वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को, विलेज इंडस्ट्रीज को और कॉटेज इंडस्ट्रीज को लोन प्रोवाइड करती है, और फिर बाद में नाबार्ड जो है वो कमर्शियल बैंक और कोऑपरेटिव बैंक को लोन प्रोवाइड करता है। तो इस तरीके से यहाँ पे रीफाइनेंसिंग किया जाता है। इसके वजह से रूरल एरिया का एम्प्लॉयबिलिटी जो होता है वो बढ़ जाता है, उन लोगों को दूसरे एरिया में माइग्रेट नहीं होना पड़ता है जॉब को सर्च करने के लिए, उनको अपने एरिया के अंदर ही जॉब अवेलेबल होते हैं। तो इसके लिए रूरल इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट होना बहुत जरूरी है और उनके डेवलपमेंट के लिए रीफाइनेंस जो होता है वो नाबार्ड प्रोवाइड करता है। उसी के साथ साथ नाबार्ड जो है वो कुछ स्किल्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं। ना ये प्रोग्राम्स किसके लिए ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, तो जो भी रूरल यूथ है जो रूरल एरियाज में बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं तो उनके लिए ये प्रोग्राम सेटअप किए जाते हैं, ताकि उनको ट्रेनिंग मिले कि किस तरीके से वो बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, उनके अंदर वो एंटरप्रेन्योरशिप क्वालिटी जो है वो डेवलप हो और वो बिजनेस को सेटअप करे। और उसके वजह से क्या होगा, जो रूरल यूथ है उनको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अवेलेबल होगा। तो इस पर्पज से यहाँ पे स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम और एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम जो नाबार्ड के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है। और लास्ट वाला है रोल इन नेशनल डेवलपमेंट। नाउ हमारे यहाँ पे जो एग्रीकल्चर कमोडिटी होती है तो उसको स्टोरेज फैसिलिटी इंप्रूव करने के लिए नाबार्ड जो है वेयरहाउस सेटअप करने के लिए फाइनेंस प्रोवाइड करता है। बिकॉज क्या होता है, हमारे यहाँ पे एग्रीकल्चर जो होता है 4 महीने होता है और एग्रीकल्चर कमोडिटी का कंजम्पशन जो होता है 12 महीने होता है। तो अगर सपोज ये एग्रीकल्चर कमोडिटी को हम लोग प्रॉपर स्टोर नहीं करेंगे तो वो खराब हो जाता है। तो इसके लिए उसको स्टोर करने के लिए वेयरहाउस की जरूरत पड़ती है। तो वेयरहाउस सेटअप करने के लिए जो भी फाइनेंस की जरूरत होती है वो नाबार्ड के द्वारा अवेलेबल करके दी जाती है। उसी के साथ साथ नाबार्ड जो है वो एग्रीकल्चर गुड्स को एक्सपोर्ट करने में भी हेल्प करता है, उसके लिए जो भी फाइनेंस लगता है वो भी नाबार्ड के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। और नाबार्ड जो है वो हमारे यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नाउ सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए नाबार्ड क्या कर रहा है, तो ग्रीन ब्लू और व्हाइट रिवॉल्यूशन कर रहा है। नाउ ग्रीन रिवॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट। ब्लू रिवॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, मरीन प्रोडक्ट्स मतलब जैसे फिश वगैरह होता है उसका डेवलपमेंट करना। और व्हाइट रिवॉल्यूशन का मतलब होता है जो भी डेयरी प्रोडक्ट्स है उसका डेवलपमेंट करना। तो इस तरीके से एग्रीकल्चर, मरीन प्रोडक्ट्स और डेयरी प्रोडक्ट जो है इसका डेवलपमेंट करना है, जिसके थ्रू हमारे कंट्री का सस्टेनेबल या फिर बैलेंस डेवलपमेंट होगा। सो दिस वॉज ऑल अबाउट नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जिसको नाबार्ड बोलते हैं। ये मेरे URL है जहाँ से मैंने इमेजेस लिए हैं। Thank you students, please do like, share, comment and subscribe to my YouTube channel and also recommend my channel to your friends. We will meet in the next video.